अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल कर रहे होंगे। और एज यूजुअल गेम सेट मैच पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को भी वो लाइमलाइट मिलनी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने इश्यूज को डिस्कस करने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। बिकॉज सारे स्पोर्ट्स को सबसे बड़ी जो शिकायत होती है वो यही होती है कि वाई ऑलवेज क्रिकेट। सो वी मेक श्योर के नहीं, वाई ऑलवेज क्रिकेट नहीं होना चाहिए, दे शुड गेट देयर ओन प्लेटफॉर्म। सो आज हमने सोचा अदर देन क्रिकेट दो ऐसे खेलों की बात करेंगे जिसमें एक खेल तो हम वेन एवर वी टॉक अबाउट ओलंपिक्स तो हम एक खेल तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान रेगुलरिटी में हमें ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं दिखता है कि हाँ जी करेगा, कम्पीट कर लेगा, होगा जी, कुछ ना कुछ हमें उम्मीद होती है। तो आर्चरी के हवाले से हम बात करेंगे और दूसरा जो है दैट इज ब्लाइंड फुट सोल, उसके हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और जैसे कि सवेरा ने कहा, बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स हैं आर्चरी और फुटसॉल, और उनके बारे में जानना शायद हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग की होंगी कि उसमें कौन से, स्पेशली विद आर्चरी, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, किस एज पे क्या लर्निंग्स होती हैं उसमें, और किस तरह प्लेयर्स इवेंचुअली प्रोफेशनल प्लेयर्स बनते हैं और ओलंपिक्स तक जाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस ऑन दिस शो, और क्योंकि एक अच्छा सेट पैनल है हमारे पास आज, तो विदाउट मच अडू लेट्स मूव टुवर्ड्स कि गेस्ट हमारे साथ कौन है और आर्चरी पे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी एजाज अली साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सेक्रेटरी सिंध आर्चरी एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। साथ ही साथ अकमल खान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ वन आर्चर फ्रॉम पाकिस्तान। सो यस, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द शो। पहले एक पैकेज देख लेते हैं कि आर्चरी के गेम के हवाले से कुछ पैकेज हमारे टीम ने तैयार किया, उसको देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन करते हैं। ये तीरंदाजी हमारी पास हिस्ट्री का हिस्सा है। हमारे ही फोर फादर्स थे जिन्होंने जो है वो जंगों में तीर चलाए। इंटरमीडिएट लेवल जो है वो 30 मीटर से स्टार्ट होता है और 50 मीटर तक जाता है। एमेचर लेवल 5 मीटर से स्टार्ट होता है, 5 मीटर से स्टार्ट होता है और 30 मीटर तक जाता है, और उसके 50 मीटर से ऑनवर्ड 70 मीटर पर जब वो आर्चर पहुंचता है तो वो एक प्रोफेशनल आर्चर होता है। आप एक एक्टिव माइंड के साथ खेल सकते हैं, फोकस के साथ खेल सकते हैं इसको, और एक अच्छी चीज़ है मोबाइल गेम से निकल के ये एक फिजिकल एक्टिविटी है। मैं पिछले एक साल से रोज़ाना आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं कोरिया भी गया था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, साउथ कोरिया वोंजू, और उसके बाद जो है 9th और 10th नेशनल आर्ची चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हूँ। एक आर्चर की जो किट है वो 10 से 12 लाख रुपए की होती है, और उसमें एरो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाते हैं, और एक अच्छा एरो जो कि US बेस्ड कंपनी का बना हुआ एरो है, उस एरो की पाकिस्तान में इस वक्त कीमत 25,000 रुपये है, और एक आर्चर्स के पास एक वक्त में 12 एरो कम से कम होने ज़रूरी। लास्ट जो लाहौर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसमें जो जूनियर्स खेले हैं वो हमारी वुडन बो से खेले, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया, और हमने टोटल 4 मेडल जो है वहाँ हमने नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप में हमने जीते, और वो टोटली हमारा अपना सामान था। 5,000 रुपये का एक इक्विपमेंट का पार्ट आता है, एक एरोरेस्ट आता है, तो वो एरोरेस्ट हमें यहाँ पर 500 रुपये का पड़ रहा है। जो फ्लैच की जो सेट है जो 3 से 5,000 रुपये के दरमियान हमें मिल रहा है, जब हमने उसे डेवलप किया तो 5 रुपये भी ना पड़ी। नॉक पिन्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की हमें चाइना से लेनी पड़ती है, जो 5-10-15 रुपये में हमें पड़ रही हैं यहाँ पर। हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि इस इक्विपमेंट को इतना सस्ता कर दिया जाए जैसे क्रिकेट का बैट एक आम दुकान में मिल जाता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, मेडल्स बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे। इंसान मेहनत करेगा और अच्छी चीज़ों को यूज़ करके मेहनत करेगा तो ही रिजल्ट आ सकता है, ऐसा तो रिजल्ट नहीं आ सकता। वेरी इंटरेस्टिंग, और सबसे इंकरेजिंग बात यह है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे अंडर 10 के प्लेयर्स दिखे जो आर्चरी का गेम खेल रहे हैं, और क्योंकि इसमें इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है इस गेम को, और इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली है, और अगर मीडिया की, जैसे इस शॉर्ट में बात हुई कि मीडिया ने काफ़ी हेल्प की है लोगों को इस गेम को पसंद करने में। सो इक्विपमेंट के हवाले से पहला सवाल आपसे एजाज साहब अगर पूछें कि क्या डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यूज़ होता है, वेट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से, और चैलेंजेस आपने बहुत सारे बताए हमें, लेकिन
क्या इवेंचुअली जिसको ये शौक है वो इवेंचुअली खेल सकता है इक्विपमेंट्स की इतनी फुकदान होने के बावजूद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं समा टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि और ख़ास तौर पे आप लोगों का, आप दोनों का, कि आपने ये मौका दिया आर्चरी के इस खेल को प्रमोशन, इसकी जो प्रमोशन है उसमें जो है वो अब समा टीवी का भी एक बहुत बड़ा किरदार इंशाल्लाह आपके इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद जो है वो होगा। जहाँ तक सवाल है आपका कि यकीनन ऐसा ही है, तीन इसके सेगमेंट हैं। जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल जो है वो 7 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो वहाँ से स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा जो है वो यूरोप में ये 5 साल से भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमने पाकिस्तान में इसको 7 साल रखा हुआ है कि 7 साल का बच्चा जो है वो खेलना शुरू करे, और 7 साल का बच्चा जो बोर्ड ड्रॉ कर सकता है वो उसकी जो पाउंडेज होती है वो 10 पाउंड से 12 पाउंड तक की जो है वो उसको वो ड्रॉ करता है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आता है जिसमें पाउंडेज थोड़ी सी और हैवी हो जाती है, अप टू 20-25 पाउंड चली जाती है, और सेहत पर भी डिपेंड कर रहा होता है, उस बच्चे की सेहत पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितना सेहतमंद है या बच्चा या बच्ची, और वो उसको ड्रॉ कर सकता है या नहीं। इसके कुछ ख़ास कवायद हैं जो कि वर्ल्ड आर्चरी ने भी अपनी किताबों में लिखे हैं, जहाँ से हमने ये अपनी कोचिंग कोर्सेज किए हैं उन्होंने भी हमें ये सब चीज़ें बता रखी हैं, तो उन्हीं टेबल्स को बुनियाद बनाकर हम इनकी बोज को, इनके पाउंडेज को सजेस्ट करते हैं और उनको जो है वो करते। जब प्रोफेशनल लेवल पर आता है आर्चर तो प्रोफेशनल लेवल पर उसकी जो बो है वो चेंज हो जाती है, बो की साख चेंज हो जाती है, उसके एरोस चेंज हो जाते हैं, उसकी पाउंडेज चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाता है प्रोफेशनल लेवल पर आने के बाद। लेकिन इनिशियल लेवल पर मैं बल्कि ये कहूँगा, इनिशियल लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस अभी यहाँ रहा है वो ये रहा है कि 7 साल से लेके 70 साल तक की उम्र का बच्चा जो है जब आर्चरी करता है, और ऐसा हुआ है हमारे क्लब में, बिल्कुल ऐसे लोग अच्छा, हैं जो 70 साल को भी अपने बच्चा का एग्जैक्टली 70 साल तक की उम्र के लोग जो है वो बिगिनर्स लेवल पर हमारे पास न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर इवन कराची लेवल तक पे जो है उन्होंने, सिंध लेवल तक पे उन्होंने खेला और बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहे, बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अकबर, आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि कितने आपने कब शुरू किया, किस टाइम फ्रेम पे यू थॉट के नहीं जी आर्चरी इज द स्पोर्ट जो मैंने आगे उसको लेकर चलना है, वरना तो पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले कहता है क्रिकेट क्रिकेट खेलेंगे, सो व्हेन वाज द टाइम जब आपने ये रियलाइज किया नहीं जी? 2019 में, 2019 में यूनिवर्सिटी में चूँकि हमारा लास्ट सेमेस्टर था और उसी दौरान जो है कैंप अनाउंस हुआ कि हमें जो है HSC के जो है वो ट्रायल्स हो रहे हैं और आपने जो है कोई भी उस कैंप को जो है ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद उनका ट्रायल होगा, सिलेक्शन होगी, तो ये प्रॉपर एक क्राइटेरिया था। जब वहाँ पे हम तो एथलेटिक का हमारे फिजिक भी है और हम एथलेटिक करते भी रहते हैं, तो हमने कैंप ज्वाइन किया और उसके बाद जो है कोचेज़ जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप इस गेम को परस्यू करते तो आप खेल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्टांस बहुत अच्छा था और हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से पिक भी कर लिया और हम उस चीज़ में जो फिर HSC का एक हिस्सा बने, HSC की टीम का, बस वहाँ से एक मोटिवेशन थी कि फर्स्ट टाइम किसी गेम के लिए हम जो है टूर हमने जो है किया और हम सिंगल गए थे, वहाँ पे अच्छा खासा हमारा रैंक तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो फिर एक मोटिवेशन जागी कि नहीं हमें इस गेम को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। हमने शायद 10 साल से ये गेम खेलना प्रोफेशनली शुरू किया है, सो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ हमारी स्टैंड? देखिए, अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ पहले देख लें एक नज़र, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि पिछले 30 सालों से कम वेश वो आर्चरी कर रहे हैं और प्रॉपर आर्चरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी आर्चरी होती थी 30 साल और उससे पहले भी, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो फोर्सेस में यूनिट्स के पास अपने अपने आर्चरी जो है वो इक्विपमेंट होते थे और वो वहाँ कर रहे होते थे, या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे कहीं। प्रोफेशनल आर्चरी जो है वो जब स्टार्ट हुई हमारे पास आज से तकरीबन 10 साल पहले, जो फर्स्ट आर्चरी चैम्पियनशिप यहाँ पाकिस्तान में अनाउंस हुई, तो वो भी आर्म फोर्सेस ने ही किया उसको, और उस वक्त तक लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि ये भी एक ऐसा खेल है जो खेला जा सकता है। लोग तकरीबन भूले बैठे थे, जो जो पहले से जानते भी थे तो उनको भी ये बात याद नहीं थी कि ये तीरंदाजी हमारे पुरखों का खेल है बेसिकली,
और इसकी रिलीजियस कॉनोटेशन भी काफ़ी है। एग्जैक्टली अगर हम अहदीस नबवी का जो है वो मुताला करते हैं तो हमें बेशुमार हदीसें इस तरह की मिलती हैं जो आर्चरी से मुतालिक हैं। बाकायदा तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम गमज़दा हो तो तीर अंदाजी करो। तीर अंदाजों के बारे में फरमाया कि तीर अंदाज हमारे दोस्त हैं। और यानी जदीद साइंस हमें ये कहती है कि अगर आप जो है वो आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं तो आप ऐसा गेम खेलें जिसमें आप फोकस पे जो है वो भरपूर तवज्जो दे सकें, तो आर्चरी से बेहतर वो खेल नहीं है। और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं किसी चीज़ से तो जाएं आर्चरी करें, तीरंदाजी करें, निशानेबाजी करें, ताकि आप एक फोकस पर आ सकें। अगर हकीकत में देखा जाए तो पिछले जो 4 से 5 साल पाकिस्तान में आर्चरी हुई है ये बाकायदा आर्चरी की एक बुनियाद। अब इन 4 से 5 सालों में जो आर्चर्स हमारे पास डेवलप हो सके ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के आर्चर्स बाहर जा रहे हैं और खेल रहे हैं और कम से कम कम्पीट कर रहे हैं। बेशक वो उस लेवल का नहीं कर रहे लेकिन एक वक्त आएगा कि उस लेवल पे भी करेंगे। हमारे वो आर्चर जो इस वक्त जूनियर हैं, जो इस वक्त बिगिनर लेवल पर हैं, जो इस वक्त इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, आज से 5 साल बाद यही आर्चर ओलंपिक खेल रहे होंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको ये जान के जो है वो हैरत होगी कि पाकिस्तान में सर्टिफाइड कोच मौजूद नहीं थे। ये पिछले 3 से 4 सालों में डेवलप हुए हैं। सर्टिफाइड कोच मौजूद नहीं थे, जो सीनियर आर्चर होता था वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर कोचिंग किया करते थे। अकमल, आप क्योंकि प्रोफेशनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान में स्पेशली कोई भी स्पोर्ट सेलेक्ट करने से पहले प्लेयर्स ये भी सोचते हैं कि फाइनेंशियली वो कितना सपोर्ट होगा उस स्पोर्ट से और आया वो अपनी फैमिली रन कर सकेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, तो आपको क्या लगता है यंगस्टर्स को अगर आप कहना चाहें कि ये स्पोर्ट जो है आपको फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग करता है और अगर नेशनल लेवल पर खेलते हैं तो क्या प्रिविलेजेस होते हैं इस गेम को लेकर? देखें बिल्कुल पहली जो सपोर्ट आती है वो आपके जो है वो ऑब्वियसली घर से आती है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें तो ऊपर वाला रास्ता आपके लिए बिल्कुल बना देते हैं। तो इसी तरह सर हमारे पास बैठे हैं लेवल 3 के हमारे कोच हैं, सबसे पहले तो सपोर्ट हमारे घर से थी कि इक्विपमेंट लेना हमारे लिए सबसे चैलेंज था बिल्कुल। जब हमने इक्विपमेंट ले लिया उसके बाद ग्राउंड तो अवेल था हमारे पास, अब ग्राउंड के साथ फिर कोचिंग और बाकी जितनी चीज़ें थी उसमें जो है फिर हमारे पास जो है कोच हमारे इजाज़ अली साहब, तो इनकी जो है सपोर्ट हमें बिल्कुल रही, न्यूट्रिशन के हवाले से हो, हमें ट्रेनिंग देने के हवाले से हो, तो बस वो प्रोलॉन्ग सिलसिला फिर हमारा चला। इजाज़ साहब, किसी भी गेम को प्रॉस्पर करने के लिए, प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए आपके फाइनेंसिस का बैकअप होना चाहिए, आपके स्पॉन्सर्स होने चाहिए और हमने देखा है कि ट्रेडिशनली हमारे गेम्स स्ट्रगल करते हैं वो लाने में। आर्चरी के हवाले से क्या सपोर्ट मिलता है आपको गवर्नमेंट से या स्पॉन्सर्स से? बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है इस दिल्ली मामले में, बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, अब कुछ थोड़ा सा उम्मीद भी नज़र आई है, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे बुरा हो। हमने बहुत कोशिश की, आज से 2 साल 1.5 साल पहले जब हम 9th नेशनल करवा रहे थे कराची में, स्पॉन्सर्स ने हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। लोग कहते थे कि जी क्रिकेट हो या बल्कि शायद क्रिकेट के अलावा वो किसी चीज़ को स्पॉन्सर करना पसंद ही नहीं करते। हमने बहुत कोशिश की, उनको छोटे मोटे इवेंट्स में भी बुलवाया, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज से बात की, लेकिन लोग तैयार नहीं होते कि इसके ऊपर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। इंडिविजुअली लोगों ने हेल्प की, इंडिविजुअली लोगों ने जो इस खेल को पसंद करते थे या जो जिनको इस खेल का बैकग्राउंड पता था तो उन्होंने हमसे हमारे साथ काफ़ी तावुन भी किया। बट इजाज़ साहब, कतः कलामी की माफ़ी, सिंध आर्चरी एसोसिएशन, उससे ऊपर पाकिस्तान फेडरेशन आएगी आर्चरी की, उससे ऊपर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आएगा, वहाँ से कितना ट्रिकल डाउन आपको क्या मिलता है? देखें, गवर्नमेंट की तरफ से मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ओके, इंडिविजुअल। सिंध आर्चरी एसोसिएशन या प्रोविंशियल आर्चरी एसोसिएशन, ये सब भी जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट इदारे हैं। इनका काम है खेल के मौके पैदा करना, इनके पास कोई फंडिंग नहीं होती। पाकिस्तान आर्चरी के अंडर नहीं आती। मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के अंडर में किसी किस्म का कोई फंड नहीं है जो गवर्नमेंट से उनको मिलता हो या किसी और तरह से, एसोसिएशन के अंडर में
कोई ऐसी किसी किस्म की फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ना रूल है ना मिलती। अब आ जाते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। जी हाँ, ये वो इदारा है जहाँ जिसको गवर्नमेंट फंड करती है। खेल के मौके पैदा करना, खिलाड़ी बनाना, यकीनन ये काम है एसोसिएशंस का, इंटरनेशनल जो जितनी भी कनेक्शंस होते हैं वो थ्रू दीज फेडरेशन और एसोसिएशन होती हैं। खिलाड़ी को डेवलपमेंट, खिलाड़ी की डेवलपमेंट, खिलाड़ी को असिस्टेंस, ये सब फराहम करना स्पोर्ट्स बोर्ड का काम जी, उनको गवर्नमेंट फंड करती है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कभी भी फेडरेशन के साथ नहीं है, वो हमेशा उसके अगेंस्ट होते हैं। मुझे नहीं पता इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या वजह है। मैं तो इस एसोसिएशन वाले मामले में अपने आप को बड़ा नौवारित समझता हूँ। डिटेल्स वो लोग जो पहले से 20-25 साल से इसको कर रहे हैं वो जानते होंगे यकीनन, लेकिन एसोसिएशंस अपना काम कर रही हैं, फेडरेशन अपना काम कर रही है। इनको बाहर भेजना, खिलाड़ियों को इनकी ट्रेनिंग के मौके पैदा करना, जिन्होंने फंड करना है वो अपना काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये तो अब जो है वो कोई इसका एनालिसिस करे पूरा तो वो बताए कि कहाँ ठीक से काम नहीं है। यानी बीच में एक लूप होल है। एज यूजुअल हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करते हैं, बहुत दफ़ा ये शिकायत आती है कि नहीं ट्रिकल डाउन करता आगे, फेडरेशन को ट्रिकल डाउन नहीं करता, प्लेयर्स को ट्रिकल डाउन नहीं करते, वो फाइनेंस नहीं मिलते। बट ये हर स्पोर्ट जहाँ क्रिकेट के अलावा बात करते हैं, हर दफ़ा फंड्स की हमें इशूज़ की कंप्लेन आती है। बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, आई कैन सी कि हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट मौजूद है। अकमल, अगर आप डेमो प्लीज़ दिखाना चाहेंगे, वी वुड लव टू सी दैट। तो ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा ये मौका है देखने का कि रियल इक्विपमेंट से कैसे आर्चरी होती है। जी बिल्कुल। शूट तो नहीं हो सकेगा ये? नहीं शूट ना कीजिएगा कहीं नहीं, ऐसी बस सिर्फ पोस्चर तक काफी है, शूट नहीं कीजिएगा। सेफ्टी किट जरा मैं करवा रहा हूं, सेफ्टी किट थोड़ा सा ये अगर अकमल अभी आप मुझे ये क्लैरिटी बताते रहें, ये क्या पहना है सबसे पहले, व्हाट इज दिस? देखें, ये जो चीज मैंने पहनी है इसे कहते हैं चेस गार्ड। ठीक है ताकि स्ट्रिंग जब आपके चेस पे लगती है तो ये इससे बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिले आगे जाने के लिए, कोई रेजिस्टेंस पैदा ना। ठीक है। And also to protect your chest ke koi exactly uske baad ye jo humne arm mein pehne that is arm guard taki jab sting ko aap release kare to aisa na ho ki aapke haath pe lage। Uske baad ye leather ka jo stuff hai hamare paas that is fingertip। Okay, jisse aap hold karte hain sting ko। Ha, kyunki sir ne bataya ki different poundage ki wo hoti hai, to that is 25 kg ki ye bow hai jise main draw karunga। 25 kg ki bow hai ye? Ji, matlab iski jo khichav hai that is 25 kg। Okay, तो इसे खींचने में आपकी जो है फिंगर्स जो वो पेन भी कर सकती है, नमनेस भी हो सकती है, तो उससे बचाव के लिए आपके पास ये फिंगर टेप होती है। लेदर से ज्यादा भी पाउंडेज जाती है? जी, जिससे ज्यादा भी जाती है। ओके, तो ये आप वेट से वैल्यूएट करते हैं कि कितना वेट, मतलब आपके वेट के हिसाब से वैल्यूएशन होगी कि इट डिपेंड ऑन द आर्चर के, कस्टमाइज होती है पूरी बो। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आर्चर पे आया वो हैवी बो से या उसकी लिमिटेशंस देखी जाती है। सर ने बताया कि उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से जो है इसे कस्टमाइज किया जाता है। और ये जो चीज़ मैंने पहनी है बेल्ट पे, दैट इज क्यूअर, जिसमें आप जो है ये सारा सामान चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड, ये सब आप अपने क्यूअर में डालते हैं और आपके एरो भी सेफ रहते हैं इसमें। बो पार्ट्स को थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, ये अच्छा बो पार्ट्स पे आ जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आप हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा डिसमेंटल हो जाता है, ठीक है, जुड़ने के बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल बनती है। तो ये व्हाइट वाले जो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है? राइजर जी। और ये कर्व जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहा जाएगा लिम्स, दैट इज द अपर लिम, लोअर लिम। और ये जो रोड्स आप देख रहे हैं इसे कहा जाएगा स्टेबलाइजर, क्योंकि जब रिलीज के दौरान जब आप इसे छोड़ते हैं स्ट्रिंग को तो जो वाइब्रेशन होती है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये स्टेबलाइजर कहलाएगा। इसे साइट, दिस वन इज द साइड, और इसमें जो लगा है अपर्चर, इसकी मदद से हम 70 मीटर डिस्टेंस को आप व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी अप डाउन इन आउट विंड के डायरेक्शंस पे हम इसके जो है मेजर करके जो है अपनी शूटिंग करते हैं। और ये जो छोटी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप कैमरा दिखा सके तो दैट इज प्लंजर फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए, और उसी के साथ एरो रेस्ट आपने अगर देखा हो सेगमेंट में भी, तो
दिस वन। ये वो एरो रेस्ट है जो आप कह रहे थे 5000 रुपए का होता है जनरली। ये छोटी सी, आप ये देखें कि इतनी छोटी सी चीज और बाकी खवातीन को आपने पैसों का बता दिया, जिंदगी बचा जाएगा ये। एक चीज और, मैं आप अपना ये एरो एक दीजिएगा। इस एरो के पीछे ये फ्लैचेस लगे हुए हैं। I would love to hold that. ठीक है, ये फ्लैचेस लगे हुए हैं। अगर इन में से कोई एक फ्लैच भी ना हो जी, तो ये एरो 70 मीटर की फ्लाइट को ठीक से नहीं पहुंचेगा। नहीं करेगा। और इस एक इस एक फ्लैच की जो कीमत अब हमें यहाँ पड़ रही है पाकिस्तान में बनाने पर, ये एक फ्लैच जो है ये मुश्किल से कोई एक 5 से 10 रुपये का पड़ रहा है, वरना ये 5000 रुपये का बॉक्स आपको चाइना से मंगाना पड़ रहा है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट भी, यानी एक छोटा सा ये नॉक है, ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, जो स्ट्रिंग में ये फंसता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये आपको अगर चाइना से मंगाना पड़े तो ये 3 से 5 हज़ार रुपये के दरमियान, और उससे भी ज़्यादा महंगे अगर ब्रांड पे जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। और ये जब आप लोकल यहाँ डेवलप कर लेते हैं तो ये 5 रुपये का भी नहीं पड़ता। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो आर्चरी नहीं हो सकती। ये मजे की बात है, फिर आप आर्चरी नहीं कर सकते। नहीं, और बहुत ज़रूरी है, हम जब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे जो है वो आगे कोई परस्यू कर सकता है इसको। और एक्सपेंसेस कम हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर होगा तो मसला हो जाएगा। बट अब हम, मैं इस तरीके से सोचती हूँ, बींग अ मदर ऑफ टू, समर कैंप बच्चों को और इनक्रेज किया जाए, उस समर कैंप में बच्चे जो हैं अवेल कर सकें, आर्चरी सीख सकें। बिल्कुल ऐसा होता है कराची में, स्पेशली सिंध में बेशुमार ऐसे क्लब्स हैं जो समर कैंप प्लान करते हैं, बेशुमार ऐसे स्कूल्स हैं जो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, और हम उनके लिए आर्चरी जो है वो उसका इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसका जो है वो उन्हें मौके उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि, और हमारे अपने ग्राउंड में भी इन 2 महीनों में हम वहाँ आर्चरी सिखाते हैं। और ये समर कैंप बेहतरीन जो है वो मौका होता है हमारे लिए अपने स्टूडेंट्स को जो है वो और लोगों में अवेयरनेस देने का और स्टूडेंट्स को गेन करने का, वहाँ से हमारे पास आर्चर निकल कर आते हैं। अभी आपकी फैसिलिटी कहाँ पे है, आपके ग्राउंड का? ये केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं केएमसी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि उन्होंने हमें जो है वो वहाँ जगह फराहम की, फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की, और जितनी भी वो हमें सहूलियात दे सकते हैं माशाल्लाह से वो देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डायरेक्टर केएमसी, इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की। काफ़ी काफ़ी स्पोर्ट्स ने प्रॉस्पर किया वहाँ पे, बहुत और भी स्पोर्ट्स सारे होते हैं, मगर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मिजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। अकमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। एंड आप लोगों को पता चल गया है, अगर तो आप लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों में आप वो छुपा हुआ, क्या पता किसी के बच्चे में वो आर्चर हो, वो अगर आप डिवेलप करवाना चाहते हैं कैपेबिलिटी, और ना सिर्फ अगर ये स्पोर्ट की तरह नहीं तो अगर आप फोकस क्रिएट करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, सो आर्चरी इज द बेस्ट थिंग जो कि आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बड़ों के लिए भी, जैसे उन्होंने कहा कि 7 साल से लेकर 70 साल तक के बच्चे जो हैं वो आर्चरी का हिस्सा बन सकते हैं। बट विद दैट, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और स्पोर्ट्स के साथ आपको खुशहाली। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी ब्रेक से पहले, आर्चरी के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही थी, बात कर रहे थे, मगर अब हम मूव ऑन करेंगे अगले स्पोर्ट की तरफ, एंड दैट इज फुटसल। जब हम फुटसल की बात करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में बहुत बहुत तेज़ी से जो है इस गेम, ये राइज होना शुरू हुआ गेम, बिकॉज फुटबॉल ग्राउंड इतने थे ही नहीं, इवेंचुअली फुटसल तक कहानी आई, और जब फुटसल तक आई तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिवेलप हुआ, प्लेयर्स नए नए आना शुरू हुए, यंगस्टर्स नए नए जो है इससे एफिलिएट होना शुरू हुए, एंड देन फिर जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो अगर आप कि कोई भी कुछ भी इशू हो, उसके बावजूद अगर आपने खेलना है कोई स्पोर्ट, आपने बढ़ना है आगे, सो आप किसी ना किसी तरह बढ़ेंगे। सो फिर सामने आई ब्लाइंड फुटसल, और हमें ये जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं, इन लोगों ने शुरू किया ब्लाइंड फुटसल खेलना, और अभी जिस तरह चल रहा है ये सिलसिला, वो सारी हम चीज़ें डिटेल यहाँ इस शो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और हमारे साथ, जैसे हमने कहा था कि दोनों स्पोर्ट्स जो हमने आज कवर किए हैं, बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है हमारे पास जो हमारे साथ फुटसल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे इस गेम को। वो सबसे पहले हमारे साथ हैं हसन सुमरो साहब,
जो ब्लाइंड फुटसल के प्लेयर हैं, और थैंक यू सो मच हसन फॉर बीइंग ऑन द शो, शुक्रिया आपका। और उनके साथ हैं हमारे साथ सलमान साहब जो सेक्रेटरी हैं ब्लाइंड स्पोर्ट्स के। सलमान साहब को भी वेलकम करते हैं शो पे। हम सबसे पहले चलते हैं पैकेज की तरफ और एक पैकेज पे नज़र डालते हैं ब्लाइंड फुटसल के हवाले से, एंड देन डिस्कशन का आवाज़ कर। आप लोगों की जो फुटसॉल होती है वो हमारी फुटबॉल होती है, सही है। हमारी फुटबॉल अलग नहीं है, आमतौर पे फुटबॉल के मैचेस में यकीनन प्लेयर्स ज्यादा होते हैं। हमारी फुटबॉल में 5-a-side होते हैं, यानी कि इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, एक कीपर होता है गोलकीपर, और एक हम एक्स्ट्रा प्लेयर उसमें रखते हैं जिसको हम गोल गाइड कहते हैं। हमारी फुटबॉल के अंदर जो है ना वो बैरिंग्स होते हैं जिसके जरिए ना वो साउंड क्रिएट हो रहा होता है, तो उससे हमें रिकग्नाइज करने में आसानी होती है कि हमारी फुटबॉल अब यहाँ जा रही है यहाँ जा रही है, तो वो साउंड हमें हेल्प करता है। जो हमारा फुटबॉल होता है वो फुटसॉल ग्राउंड में ही खेला जाता है, और उसकी जो उसका जो साइज होता है वो 20x40 होता है। गोल्स सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, और एक जो है गोलकीपर होता है वो पार्शली, यानी कि B2 B3 हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। फुटसॉल जो हमारी है वो आमतौर पर B1 प्लेयर्स यानी टोटली ब्लाइंड प्लेयर्स की नहीं होती, बल्कि फुटसॉल जो है वो B2 और B3 प्लेयर्स की होती है जो पार्शली ब्लाइंड या पार्शली साइटेड हैं, जिनको थोड़ा बहुत नज़र आता है। वो जो हमारा गाइडर होता है ना टीम का, वो उसकी हमें आवाज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी गोल की पोजीशन कहाँ पर है। जो मेरा साथी होता है, जो मेरा स्ट्राइकर होता है, उसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है एक टाइम से, तो हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ को भी जज करते हैं, तो वो देन इसी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, तो हमें एक दूसरे का मालूम होता रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग करके और होता है। कोड होता है हमारा जो कि हम बोलते हैं VOY, जिस स्ट्राइकर के पास या जिस प्लेयर्स के पास बॉल होती है वो उस कोड को नहीं जो है ना प्रोनाउंस करता, और जिनके पास नहीं होता वो इस कोड को बोलते हैं वॉय, ताकि हमारी आपस में किसी के साथ टक्कर ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे बचने के लिए। रेफरी के सामने अगर वॉय ना कहा या फिर हमने किसी को पकड़ के खींच लिया, तो 5 times के बाद एक पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है अपोजिट साइड की टीम को। सेकेंडली, ये कॉर्नर पेनल्टी स्ट्रोक इस तरह से मिलता है अगर किसी ने जानबूझ के हाथ लगा दिया, या कीपर अपने डी के दायरे से बाहर आ जाता है, या फिर कोई प्लेयर्स एम्पायर्स के साथ बदतमीजी करता है, या कोई व्हाटएवर हाथ से बॉल को रोकता है, तो उस सूरत में पेनल्टी स्ट्रोक भी मिलता है और पेनल्टी कॉर्नर भी मिल जाता है। बिनाई से महरूम इन नौजवानों की दुरंदेशी देखने से ताल्लुक रखती है, जब ही तो इन्होंने फुटसॉल पर अपनी नज़रें जमा ली हैं। कहते हैं मौका मिला तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ खजर आजम, समा, कराची। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और लोगों का पैशन देख के जो है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है सलमान साहब, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ जाता है आप लोगों को कि गेम का जो शौक़ है, जो लगन है, वो दिख रहा है कि कितना इंस्पिरेशनल है ये सब कुछ। सलमान साहब, कितने अरसे से हम ये खेल खेल रहे हैं और प्रोफेशनली हम किस पोजिशन पर हैं, और हमने आप ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें बताया ही आपने, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि हम आगे क्या देख रहे हैं इस गेम को देखें। अगर मैं अपनी बात कहता हूँ कि तो 2002 में मैंने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था जी। उस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स भी हैं जिनको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो 2014 में हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का क़याम अमल में लेकर आए, और एज अ फाउंडर मैं खुद फाउंडर था उसका। उस वक्त हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, और 2018 में हमने फ़र्स्ट टाइम फुटबॉल एंड फुटसॉल इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इनके नेशनल इवेंट्स करवाना शुरू किए। अब मसला ये आ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बच्चे रेडी नहीं थे, उनके पास ग्राउंड्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने ये शुरू किया कि हमने इनको बुलाते, 4 days की इनकी ट्रेनिंग्स होती और 4th-5th day हम लोग इनके कॉम्पिटिशन्स करवाते। इस तरह हमने तैयारी शुरू करी। इस दफ़ा हमने फ़र्स्ट टाइम फरवरी में नेशनल चैम्पियनशिप करवाई थी, जिसमें पूरे तमाम सूबों से हमने टीम्स बुलवाई, और इस दफ़ा हमने इन टीम्स के दरमियान टूर्नामेंट करवाया,
और उसमें जो जो बेस्ट प्लेयर्स थे उससे हमने पाकिस्तान टीम तैयार कर ली। ज़बरदस्त। हसन, आपको क्या, आपको किस तरह कॉन्टैक्ट किया या आपने खुद कॉन्टैक्ट किया, आपको कैसे पता चला कि अब इस तरह की एक फैसिलिटी है जहाँ मैं फुटसॉल खेल सकता हूँ, फुटबॉल खेल सकता हूँ? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं इन्हीं के इंस्टीट्यूट में, मैं वहाँ पे स्टूडेंट